सिंधेवाड़ी पुलिस ने नाकाबंदी कर तेलंगाना राज्य में कत्ल के लिए लेकर जाने वाले वाहनों को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और वही जानवरों को गोरक्षण समिति गोविंदपुर में रखा गया। तीन सितंबर को गुप्तचरों द्वारा जानकारी मिलने पर सिंधेवाड़ी पुलिस की टीम चिकमारा बस स्टॉप पर पहुंचकर नाकाबंदी की। उसी दरमियान गुंजेवाई की ओर से एक चौपहिया वाहन तेज गति से आते हुए पुलिस को दिखाई दिया और जब पुलिस की टीम ने वाहन महिंद्रा पिकअप गाड़ी क्रमांक MH34BK3090 को रोककर उसकी जांच की तो उसमें से कुल 9 जानवर मिले, जिसमें गाय तथा बैलों का समावेश था, जिसकी कीमत 90,000 रुपया है और जानवरों को अवैध तरीके से निर्दयतापूर्वक वाहन में भरकर रखा गया था और यह जानवर कत्ल के लिए तेलंगाना राज्य में लेकर जा रहे थे और इसके ऊपर पुलिस स्टेशन सिंधेवाई में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। अब वही वाहन चालक आरोपी इमरान खान इस्माइल खान पठान नागपुर निवासी को गिरफ्तार किया गया और वाहन में मौजूद जानवरों को गोरक्षण समिति गोविंदपुर में रखा गया है। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि अमर बुद्धार पार की रिपोर्ट।